नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिंदी विषयक प्रश्नोत्तरी, जिसके अंतर्गत हमने रीतिकाल इकाई 4 के 258 प्रश्न पढ़ लिए हैं। इससे पहले के वीडियो में उसके आगे हमें पढ़ना है। बिना समय व्यर्थ किए हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर हैं। पद्माकर रीतिकालीन कवि हैं और अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, तथा इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कली बच्ची, श्री राम रसायन, अलीजा प्रकाश इत्यादि। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? बैनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। इनके अलावा रसनिधि, बृंद और भूपति ने सतसई की रचना की है। बैनी प्रवीण की सतसई रचना नहीं है। बैनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश, 1817 में नवरस तरंग उन्होंने लिखा था, याद रखिएगा। बृंद के काव्य ग्रंथ हैं बारहमासा 1668 ईस्वी, भाव पंचाशिका 1686, नयन पच्चीसी 1686, पवन पच्चीसी 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691, यमक सतसई 1706 और बृंद विनोद सतसई इन्होंने लिखी है। रसनिधि है जिनका नाम पृथ्वी सिंह है। काव्य संग्रह हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, बारहमासा, रसनिधि, सागर, हिंडोला, अरिल और रसनिधि सतसई। और भूपति के काव्य ग्रंथ हैं भूपति सतसई, कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले भिखारी दास आए थे, नहीं भिखारी दास नहीं आए थे, बिहारी आए थे 1595 ईस्वी में, फिर देव आए थे, फिर भिखारी दास आए थे और फिर पद्माकर आए थे। तो इसके अनुसार उत्तर हुआ ए, बिहारी, देव, भिखारी दास, पद्माकर। बिहारी देव भिखारी पद्माकर, बिहारी देव भिखारी दास पद्माकर, यह क्रम याद रखिएगा। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की रचना है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। रसलीन की रचना बार बार पूछा जाता है। अंग दर्पण 1737 में प्रकाशित या लिखित रचना है। रस प्रबोध भी इनकी रचना है, रसलीन की रचना है। अंग दर्पण, रस प्रबोध, श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश जो है बैनी प्रवीण की रचना है। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास आदि राम सिंह की रचनाएं हैं। अलक शतक, तिलक शतक और आदि मुबारक की रचनाएं हैं। मुबारक का पूरा नाम सैयद मुबारक अली था। अगला प्रश्न है, पानिप अपार घन आनंद उकति उछी, जतन जुगति जोन कोन पे नपति है, उक्त काव्यांश में कवि का क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं कवि? पानिप अपार घन आनंद उकति ओछी, जतन जुगति जोन कोन पे नपति है। वे नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न है, कौन की रचना है? ये घनानंद की रचना है, पानिप अपार घन आनंद। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जन्मकाल के आधार पर केशवदास पहले आए, फिर आए सेनापति, फिर चिंतामणि, फिर भूषण। केशवदास का जन्म है 1555, फिर सेनापति 1589, चिंतामणि जो थे 1609 ईस्वी, भूषण जो थे 1613 ईस्वी। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम लिखिए। रचनाकाल की दृष्टि से चिंतामणि पहले आए थे, फिर
फिर जसवंत सिंह जी आए थे, फिर देव आए थे, फिर भिखारी दास आए थे। चिंतामणि का समय क्या था? चिंतामणि का समय था 1609 ईस्वी। महाराज जसवंत जी का था 1626 ईस्वी। देव का समय था 1673 ईस्वी। भिखारी दास का 1728 ईस्वी। और बिहारी का अभी हमने पढ़ा था, क्या समय था? 1555 ईस्वी, नहीं 1555 केशव दास जी का था। बिहारी का 1595 ईस्वी था जी। तो केशव दास बिहारी से पहले आए थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है? चंडीचरित है, रामचरित है, सुजान चरित है। तीनों चरित वाले नाम जो हैं वो प्रबंध काव्य हैं, लेकिन सुजान हित प्रबंध नहीं है। नाम में प्रबंध जरूर है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन प्रबंध काव्य है नहीं। सुजान हित प्रबंध जो है वो काव्य ग्रंथ है, घनानंद का है। और चंडीचरित गोविंद सिंह जी ने लिखा है, सुजान चरित सूदन ने लिखा है, रामचरित सुरति मिश्र ने लिखा है, और सुजान हित प्रबंध घनानंद ने लिखा है, जो कि एक काव्य ग्रंथ है। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है, गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? रसनिधि गीति संग्रह के रचनाकार हैं। गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। रसनिधि की अन्य रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, बारह मासा, रसनिधि, सागर, हिंडोला, अरिल आदि। रसिक गोविंद की रचनाएं कौन सी हैं? रसिक गोविंद की रचनाएं हैं रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल, रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्ट देश भाषा इत्यादि। सुरति मिश्र की रचनाएं हैं अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्राहक, चंद्रिका, नक्षिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद और भक्त श्रृंगार सागर। श्रीपति की रचनाएं हैं काव्य सरोज, अलंकार गंगा, कवि कल्पद्रुम। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है, याद रखिएगा। नेवाज ने यह 1680 ईस्वी में लिखा था, ब्रजभाषा में रचित है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसमें उत्तम छंद की रचना है, इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिश्र बंधुओं ने इसकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान इनकी रचना शैली है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम लिखिए। सही अनुक्रम हमें देखना पड़ेगा। अंग दर्पण 1737 रसलीन ने लिखी थी, फिर उसके बाद विरह बारिश बोधा ने लिखी है, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी, फिर मधुर प्रिया पजनेश ने लिखी है। अगला प्रश्न है, बृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? बृंद सतसई की विषय वस्तु है नीति। बृंद सतसई की विषय वस्तु नीति परक रचना है, इसमें 702 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, इन कवियों के सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। सही कालक्रम का निर्देश देखना है कि पहले केशव दास आए, फिर चिंतामणि आए, फिर मतीराम आए, फिर पद्माकर आए। अनुक्रम जो है इन चारों ऑप्शंस में सही नहीं है। केशव दास 1555, चिंतामणि 1609, मतीराम 1617 और 1753 में पद्माकर का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। आलोचकों के साथ सुमेलित करना है बिहारी सतसई जो थी, पद्म सिंह शर्मा ने इसका आलोचना की है, फिर देव और बिहारी की कृष्ण बिहारी मिश्र ने की है, फिर बिहारी की विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की है, और बिहारी और देव की लाला भगवान दीन ने। पहले जो बिहारी थे वो लाला थे, फिर बाद के जो बिहारी थे ना वो कृष्ण बिहारी थे।
ऐसे करके याद कर लीजिएगा, पहले के जो बिहारी थे वो लाला थे, लाला भगवान थे, इस हिसाब से आपको याद हो जाएगा। उत्तर हुआ ये बिहारी सतसई पद्म सिंह शर्मा, देवर बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिहारी और देव लाला भगवान दीन, और रसज्ञ निरंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध कौन नहीं है? घनानंद नहीं होंगे क्योंकि वो रीतिमुक्त हैं, मतिराम केशव और चिंतामणि रीतिबद्ध हैं। घनानंद के अलावा वे रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हुए हैं। केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, देव, भिखारी दास, पद्माकर आदि रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। शेख आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर। आलम भी है, अकेला नाम आलम भी पुकारा जाता है इनका, और द्विजदेव भी हैं। रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि एकमात्र कवि हैं बिहारी लाल, बिहारी सतसई लिखने वाले। अगला प्रश्न है कि काव्य कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। केशव दास ने क्या लिखा था? केशव दास ने रसिक प्रिया लिखा था, मतीराम ने ललित ललाम लिखा था, भूषण ने लिखा था शिवा बावनी, और देव ने लिखा था भाव विलास। तो उत्तर हुआ बी, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का पांचवा और चौथे का भाव विलास तीसरा। उत्तर हुआ आर्य सप्तशती के जो रचनाकार थे वो गोवर्धनाचार्य थे। अगला प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अति सुधो स्नेह को मारग है, ये तो घनानंद की बहुत प्रसिद्ध रचना है इसलिए याद हो जाना चाहिए। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, तो ये रचना है किसकी है? भूषण की है। गुलगुली गिल में गलीचा, ये तो पद्माकर की रचना है। गुलगुली से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, बहुत प्रसिद्ध लाइन है, प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, पद्माकर ने लिखी है। आगे के कवि रीजा हैं तो कविता न होई, राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, यह है भिखारी दास ने लिखा है। उत्तर हुआ डी, पहले का पांचवा, घनानंद से याद रखिएगा। साजी चतुरंग वीर तुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी भूषण, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, आगे के कवि बहानो है भिखारी दास की पंक्तियां हैं। अति खीन मृणाल के तारहु ते नहीं ऊपर पाँव दे आवनो है, बोधा ने लिखी है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, तरवारी की धार पे धावनो है, यह पूछा जाता है, बोधा ने लिखी है ये पंक्तियाँ। इनमें अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव ने लिखे हैं लक्षण ग्रंथ, पद्माकर ने लिखे हैं, भूषण ने लिखा है शिवावावनी नाम से, बिहारी ने नहीं लिखा है, बिहारी ने सतसई लिखी। रस अलंकार नायिका भेद इत्यादि इसके ध्यान में तो है, परंतु काव्य में इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया है। रीति सिद्ध काव्य धारा में प्रमुख कवि बिहारी हैं। काव्य के लक्षण दोहा सवैया कविता इत्यादि छंदों या रस अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों का द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। इनकी रचना लक्षण और उदाहरण युक्त होती है, इन्हें रीतिबद्ध या आचार्य कवि भी कहा जाता है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि देव, पद्माकर, भूषण इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? आचार्य कवि कौन नहीं है? केशवदास तो थे, भिखारी दास भी थे, चिंतामणि भी थे, ब्रजवासी दास नहीं थे। ब्रजवासी दास के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। इन्होंने ब्रजविलास लिखी है जो 1770 में लिखी है। इसमें सूर सागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। केशव दास 1595 से 1617, भिखारी दास तथा चिंतामणि रीतिकाल के आचार्य कवियों में आते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कवि नहीं है, घनानंद, बोधा और ठाकुर तो हैं, जसवंत सिंह नहीं है। जसवंत सिंह
रीतिबद्ध कवि ही थे। जसवंत सिंह के अलावा और भी जो रीतिबद्ध कवि हैं उनका नाम भी लिखा है यहाँ पर, जसवंत सिंह, चिंतामणि, देव, पद्माकर, मतीराम भूषण आदि कवि रीतिबद्ध थे, रीतिमुक्त थे घनानंद ठाकुर, द्विजदेव, शेख आलम और बोधा, पांच कवि इनके थे। रीति सिद्ध में बिहारी लाल थे। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत साम नरना रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जेहि चितवत एक बार, किसकी पंक्तियाँ हैं? वे रसलीन की पंक्तियाँ हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जेहि चितवत एक बार, रसलीन ने लिखा है। बिहारी ने क्या लिखा है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। घनानंद लिखा है, तिसुदो स्नेहु को मारग है जहाँ नेक सयानप बाक नहीं। और केशवदास ने लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनेता मत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी है, ललित ललाम लिखी है, कवि प्रिया लिखी है, नहीं ललित ललाम नहीं लिखी है, ललित ललाम तो मतीराम ने लिखी है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका इनकी रचना है, लेकिन मतीराम की रचना ललित ललाम है। केशवदास की अन्य रचनाएँ हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्षिक, छंदमाल आदि, जबकि फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अंधकार, पंचाशिका और वृत्त कुमुदी आदि मतिराम की काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? चिंतामणि की कौन सी है? कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। बाकी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। अलंकार प्रकाश है भूषण की, जो कि मुरलीधर के थे, वो दूसरे भूषण थे ये अलंकार प्रकाश। कविकुल कल्पतरु जो है चिंतामणि की है। रसराज मतीराम ने लिखा है, काव्य निर्णय भिखारी दास ने लिखा है। अगला प्रश्न है, देव कवि की रचना है, देव कवि की क्या रचना है? देव कवि की रचना है भाव विलास। काव्य निर्णय भिखारी दास, रसराज मतीराम, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज तो है, रस विलास नहीं है क्योंकि वो देव का है, ललित लाम भी है और छंदसार भी है। रस विलास का ग्रंथ मतीराम का नहीं है, वह चिंतामणि और देव ने लिखा है। देव का तो हमें याद था लेकिन चिंतामणि का भी याद रख लीजिएगा, रसविलास उन्होंने भी लिखा है। रसविलास, छंद विचार विंकल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार आदि चिंतामणि की रचना है। 1609 में वे पैदा हुए, 1685 में मृत्यु हो गई। और फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी आदि रचनाएँ मतीराम की हैं। मतीराम का समय है 1617, चिंतामणि के बाद आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, ठाकुर और आलम तो हमने सुना है, पद्माकर नहीं है। उत्तर हुआ सी, पद्माकर। बोधा ठाकुर 1766 ईस्वी के आसपास माने जाते हैं, और घनानंद 1689 ईस्वी, द्विजदेव 1820 ईस्वी, शेख आलम आदि रीति मुक्त हैं। पांच नाम हमें याद हैं, बोधा, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव और शेख आलम, ये रीति मुक्त कवि हैं। केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी दास, पद्माकर आदि रीतिबद्ध हैं, जबकि बिहारी रीति सिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों की साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। चिंतामणि, चिंतामणि ने क्या लिखा है? चिंतामणि ने लिखा है कवि कुल कल्पतरु लिखा है। मतीराम का क्या है? मतीराम ने लिखा है व्रत कौमुदी, और भूषण ने लिखा है, भूषण ने क्या लिखा है? छत्रसाल दशक लिखा है, छत्रसाल दशक लिखा है, बिरह बारिश लिखा है बोधा ने, तो ऐसे करके इसका होगा कोड बी।
और काव्य मंजरी पदुमन दास ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम लिखिए। केशवदास, चिंतामणि, बिहारी और पद्माकर। रचनाकाल के अनुसार चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं। केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। रचनाकाल की दृष्टि से नोट लिखा है उन्होंने, रचना पहले करने लगे थे, बिहारी ने बाद में की है, इसलिए वो पहले गिने जा रहे हैं। प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना काव्य विलास तो है, व्यंग्यार्थ कौमुदी भी है, श्रृंगार मंजरी भी है, लेकिन नवरस तरंग नहीं है। बेनी प्रवीण की है नवरस तरंग। बेनी प्रवीण की अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश और नवरस तरंग। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्ष इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं कौन है? लाल कवि हैं, विष्णु विलास जो है, सुजान चरित सूदन ने लिखा है, जगत विनोद पद्माकर ने लिखा है और छत्रसाल दशक जो है भूषण ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीम दास हैं, गिरधर कवि राय हैं, दीन दयाल गिरी हैं। गिरधर दास नहीं है, गिरधर कवि राय तो हैं लेकिन गिरधर दास नहीं है। और भी नाम लिखे हैं, रहीम दास, गिरधर कवि राय, दीन दयाल गिरी, वैताल, सम्मन और राम सहाय दास रीतिकाल के प्रसिद्ध नीतिकार कवि हैं। गिरधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में एक हैं। भारती भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब याद रखिएगा, नया जानकारी है इस प्रश्न में, भारती भूषण इनकी रचना है। किन की रचना है? गिरधर दास की। अब भाषा भूषण हमें जसवंत सिंह की याद है, भारती भूषण गिरधर दास की रचना है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? सबसे बाद में इनमें से किसका समय है? रहीम तो 1553 में आए थे, फिर केशव दास 1555 में आए, घनानंद 1689, पद्माकर 1753। पद्माकर का समय सबसे अंत में है। अगला प्रश्न है, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? काल के आधार पर सही क्रम कौन सा है? रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन ग्वाल कवि की रचना है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। तो समय के हिसाब से पहला विकल्प सही आ रहा है, रसिक प्रिया 1591, केशव दास श्रृंगार मंजरी 1643, चिंतामणि षड ऋतु वर्णन ग्वाल कवि 1650, रस रहस्य 1670 कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनकी कवि आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। जो रस रहस्य है रस रहस्य को और रस सारांश को, रस रहस्य जो है वो कुलपति मिश्र ने लिखा है, रस सारांश जो है भिखारी दास ने लिखा है, कवि कुल कल्पतरु जो है चिंतामणि ने लिखा है और ललित लला मतिराम ने लिखा है। उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? चिंतामणि है। चिंतामणि ने कवि कुल कल्पतरु रस विलास काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी लिखा है। देव ने क्या लिखा है? भाव विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन इत्यादि। केशव दास ने रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और छंदमाल लिखा है। भिखारी दास ने श्रृंगार निर्णय और शतरंज शतिका लिखा है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है? सेनापति नहीं है। रीति मुक्त द्विजदेव, आलम और ठाकुर कवि हैं। इसके अलावा घनानंद भी बहुत प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि हैं। नीति कवि
दीनदयालगिरी की रचना नहीं है। नीति कवि दीनदयालगिरी की रचना नहीं है। अनुराग बाग तो है, वैराग्य दिनेश भी है, विश्वनाथ नवरत्न भी है, छत्र प्रकाश नहीं है। उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की है? केशवदास की है, सबको पता है। इनके अलावा कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतिका भिखारी दास की है, पद्माभरण जगत विनोद प्रबोध पचासा गंगा लहरी पद्माकर की है, कवि रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है, आलम की है माधवानल काम कंदला, गानानंद की है सुजान हित प्रबंध, जी हाँ सुजान हित प्रबंध, ठाकुर की है ठाकुर की ठाकुर ठसक, ये तो बहुत सरल होगा ठाकुर ठसक, दुजदेव की है दुजदेव की है श्रृंगार लता सौरभ, जी हाँ श्रृंगार लता सौरभ, श्रृंगार लतिका सौरभ, इश्क नामा जो है बोधा की रचना है। आलम जो है इनके बारे में कुछ अलग अलग चीज़ें लिख के दी हैं, ये पढ़ लेना चाहिए हमें, विशेष जो चीज़ें दी हैं इनको पढ़ना चाहिए। आलम है ये माधवन अल काम कंदला लिखने वाले व्यक्ति हैं, कवि हैं, ये जाति के ब्राह्मण थे केवल, किंतु शेख नामक रंगरेज इनसे विवाह कर मुसलमान हो गए थे। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है आलम के। घनानंद हैं, घनानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, नादिर शाही सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, इन्होंने सुजान हित प्रबंध लिखा। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक लिखने वाले ठाकुर, इनका जन्म ओरछा बुंदेलखंड में हुआ, कायस्थ परिवार में हुआ, ये जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रयदाता थे। बोधा इश्कनामा लिखने वाले कवि हैं, इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था, इश्कनामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। द्विजदेव जो हैं श्रृंगार लतिका सौरभ, इनका नाम पूरा मानसिंह था, ये अयोध्या के नरेश थे। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? पद्माकर ने मिलाया है, ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाने वाले कवि हैं पद्माकर। जैसे फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। शुक्ल जी ने कहा है इनके बारे में, पद्माकर के बारे में, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? देव की रचना कवि कुल कल्पतरु नहीं है, क्योंकि वो चिंतामणि की है, बाकी भाव विलास, अष्टयाम और भवानी विलास देव की रचना है। और भी रचनाएं हैं, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि देव की रचना है, कवि कुलपतरु चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, भूषण ने क्या लिखा है? भूषण ने लिखा है भूषण ने अलंकार प्रकाश लिखा है, घनानंद ने लिखा है इश्कलता, सुरती मिश्र ने लिखा है रस रत्नाकर लिखा है, मतीराम ने रसराज लिखा है। उत्तर हुआ, भूषण ने अलंकार प्रकाश लिखा है, मतीराम ने रसराज लिखा है, सुरती मिश्र ने रस रत्नाकर, घनानंद ने इश्कलता, भिखारी दास ने रस सारांश, लेकिन विकल्पों में ये नहीं है, इसलिए इनको याद रखिएगा, इस वाले डब्बे को ज़्यादा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? सबको पता है मतीराम का ग्रंथ है, प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह ने लिखा है, शिवराज भूषण भूषण ने लिखा है, पद्माभरण पद्माकर ने लिखा है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि ने लिखा है
काव्य प्रकाश मतीराम ने लिखा है, रसराज भूषण ने लिखा है, शिवा बावनी रसलीन ने अंग दर्पण लिखा है। अंग दर्पण रसलीन, शिवा बावनी भूषण, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रसराज मतीराम, काव्य प्रकाश चिंतामणि। रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगला वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे 303वें प्रश्न से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।